Today we have with us Arihant Kapkoti, who secured All India Rank 2 in CBSE Class 10th with a score of 499. So, chaliye, let's have a conversation with him and know how did he manage to achieve this milestone. Hi Arihant, firstly many many congratulations for this achievement, for coming Rank 2. So 499, how does it feel? Feeling really happy. I mean, it's an out of the world feeling. और जब parents और teachers proud होते हैं तो खुद भी you can't help but share the happiness. जब आप board exam दे रहे थे, क्या आपने expect किया था कि आपके 499 All India Rank 2 आएगी? Certainly I was expecting good marks, but इतना तो मैंने expect नहीं करा था कि I would come कि मतलब 499 marks मेरे आएंगे, ये expect नहीं करा था, but I was expecting good marks. सो जब एग्जाम्स पास आ रहे थे, वर यू स्ट्रेस्ड और आपने कैसे हैंडल किया वो टेंशन? अ लिटिल स्ट्रेस्ड कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए थोड़ा टेंशन हो रहा था, लेकिन मैं मतलब द प्रिपरेशन वाज गोइंग ऑन फाइन. आपकी तैयारी में एनसीईआरटी ने कितना रोल प्ले किया? आई थिंक एनसीईआरटी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ बेसिकली द बाइबल फॉर द क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स. और काफ़ी बार क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही उठ के आते हैं, तो एनसीईआरटी ने काफ़ी हेल्प करा है. क्या स्कूल टेक्स्ट बुक के अलावा आपने कोई और स्टडी रिसोर्सेज की हेल्प ली थी? अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, इन मैथ्स आई यूज्ड आरडी शर्मा, सर्टेनली हेल्प्ड अ लॉट. या माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट हाउ मच दे वर हेल्पफुल द अदर रिसोर्सेज. हेल्पफुल ये था कि दे हैड क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, कि इन केस आई वांटेड टू प्रैक्टिस सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो मैं बुक्स को पिकअप कर सकता था और प्रैक्टिस कर सकता था अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, या फिर आई कुड जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. ओके, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या आपने खुद से कोई नोट्स बनाए थे? पर्सनली नहीं, मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, मेरे टीचर्स ने जो नोट्स हमको लिखवाए थे वही मैंने यूज़ करे थे. तो टीचर्स के नोट्स ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे. पढ़ाई के लिए कोई पर्टिकुलर रूटीन आपने फॉलो किया था या कोई टाइम टेबल था आपका? नॉट रियली, कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आवर्स नहीं थे या फिर कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था. अकॉर्डिंग टू द नीड्स मैं पढ़ाई करता था, कि अगर एग्जाम्स आर क्लोज तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई करता था. किस सब्जेक्ट पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया? सबसे ज़्यादा आई फिगर वुड बी SST एंड मैथ्स, क्योंकि वो उनमें मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो इसलिए उनमें मैंने सर्टेनली ज़्यादा आवर्स पुट इन करे थे. अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ऑन एन एवरेज आपने अपना पूरा सिलेबस कितनी बार रिवाइज किया? फॉर मी इट वाज वंस एंड जस्ट गोइंग थ्रू द ऑल द टॉपिक्स. एक बार हमने कोर स्टडी कर ली, उसके बाद एक बार रिविजन, सो दैट वॉज इनफ फॉर मी. कितने सैम्पल पेपर्स और PYQs आपने सॉल्व किए? सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. SST और साइंस में मैंने थोड़े कम सैम्पल पेपर सॉल्व करके थे, क्योंकि आई थॉट कि उनमें इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट द थ्योरी. लेकिन इंग्लिश और मैथ्स के लिए मैंने गुड अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ उठा के देखे थे. हाउ मेनी आवर्स डिड यू डिवोटेड ऑन योर स्टडीज? सो बेसिकली अगेन एज आई सेड, इट डिपेंडेड अपॉन कि एग्ज़ाम्स कितने क्लोज थे. सो एग्ज़ाम से पहले आई वुड से अराउंड 4-5 hours डेली. वॉट इज़ योर यूनिक स्टाइल ऑफ स्टडिंग, या आपने अपने प्रिपरेशन में ऐसा पर्टिकुलर क्या किया जिससे आपको लगता है कि आप ये रैंक अचीव कर पाए? सो माई स्टाइल ऑफ स्टडिंग इज़ बेसिकली आई पिक अप एनी टॉपिक और फिर मैं उसको अच्छे से एक बार पूरी थ्योरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करता था, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करता था, लर्न करता था, और उसके बाद मैं कोई क्वेश्चंस पिकअप करता था एंड आई वुड जस्ट सी कि मेरे से वो हो पा रहे और मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, बिकॉज आपकी एबिलिटी टू रिकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो पढ़ा है वो रिटेन हुआ या नहीं. सो इट सीम्स लाइक आपका रिकॉल पावर काफ़ी अच्छा है. सो ये रिकॉल पावर के बारे में आप बताएंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एग्जामिनेशन? सी आप जो पढ़ते हो वो आपको इतने डेप्थ में पढ़ना चाहिए और इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए कि वो आप बाद में भूलें ना एग्ज़ाम के प्रेशर में, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉल ना कर पाए. आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी अच्छी होती जाती है, और इट सर्टेनली हेल्प्स अ लॉट कि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में आ जाता है कि आपको क्या कैसे उसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को. जब भी आपको प्रिपरेशन के वक्त कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता था तो आप वो सॉल्व करने के लिए किसके पास जाते थे?
सो बेसिकली मेरा सीन ये था कि मैं, अगर मेरे को कोई डाउट होता था तो पहले मैं उसको खुद से काफ़ी बार टैकल करने की कोशिश करता था, जस्ट इन केस मैं, मेरे से वो सॉल्व ना हो पाए. तो फिर आई यूज टू अप्रोच माई टीचर्स, और मेरी सिस्टर भी काफ़ी हेल्प करती थी. तो ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल सोशल मीडिया इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एट योर एज, एंड सो हाउ डिड यू मैनेज सोशल मीडिया अलॉन्ग विथ योर स्टडीज? मतलब आप पूरा कट आउट हो गए थे सोशल मीडिया से, या यू वर एबल टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द टू? सो बेसिकली पर्सनली तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, बोर्ड्स के प्रिपरेशन के टाइम भी मैं यूज़ करता था. द प्रॉब्लम लाइज व्हेन आप उसको कंट्रोल मैनर में नहीं कर रहे एंड इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर स्टडीज. तो मैं तो यही कहूँगा कि यू मस्ट अलॉट सम टाइम फॉर सोशल मीडिया. तो उसमें आप गिल्ट फ्री सोशल मीडिया को यूज़ करो, और फिर उसके बाद देन व्हेन यू गो बैक टू स्टडींग तो अपने दिमाग से उसको रिमूव कर दो. ओके, दैट्स नाइस. ओके, सो अरिहंत, क्लास 11 12th में आप कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे? ओके, सो आई एम गोइंग टू परस्यू साइंस, PCM. सो अरिहंत, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू वुड बी, जो नेक्स्ट बैच आ रहा है क्लास 10th का, आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? सो माय ओनली एडवाइस वुड बी, यू जस्ट असेस योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीक पॉइंट्स, वर्क अकॉर्डिंगली, अपना बेस्ट एफर्ट लगाते रहो, और अनवांटेड प्रेशर नहीं लेना चाहिए. अपना, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो फिर यू शुड नॉट वरी टू मच अबाउट द रिजल्ट्स. Sorry, Ann, that was my final question, and it was great interviewing you. All the best for your future and congratulations for this achievement. Thank you so much. So that was Arihant Kapkoti, a very proud moment for him and his family. I hope this interview helped and motivated many others who are in their class 10th and are preparing for their board exams. Thank you so much, and we will see you soon in the next video.